हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम 91 पे। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? चलिए भाई दोस्तों, देखिए हम लोगों ने अपने जैसे थंबनेल पे देख ही लिया होगा कि हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस सेट चालू करने वाले हैं। और प्रैक्टिस सेट क्या, ये आपका ये प्रीवियस ईयर का पेपर होने वाला है। इसमें आपको जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट जो हमारा पेपर कराता है, APS का जो पेपर होता है और एक CA का जो पेपर होता है, इस चीज़ के जितने भी पेपर अभी तक हमारे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कराए हैं, उन सभी के पेपर में आए हुए इंग्लिश के क्वेश्चन, GS के क्वेश्चन और हिंदी के क्वेश्चन, ये तीनों आपको कराए जाएंगे। क्योंकि उसमें रीजनिंग भी आती है और कंप्यूटर भी आता है, तो उनको ड्रॉप कर दिया जाएगा। बाकी हिंदी इंग्लिश का वेटेज शायद 15-15 नंबर का होता है, तो वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। बाकी GS सबसे ज़्यादा होती है वहाँ पे, तो GS आपको ज़्यादा देखने को मिल जाएगी। इससे फ़ायदा आपको ये मिलेगा कि हम लोग जो GS हम लोगों ने आई हुई है, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट अगर पहले पूछ चुका है तो यहाँ से ऑप्शंस बनते हैं कि इस तरीके की GS आ सकती है, या यहीं से भी क्वेश्चंस आपको, कुछ क्वेश्चंस रिपीटेबल भी होंगे। तो जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप देख लेंगे उतना ही फ़ायदा है। तो इसीलिए अभी हम लोग आपको यहाँ पे इस वाले पर जो पे है, इसमें आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ अभी इंग्लिश प्लस हिंदी मिलेगी। इसके अलावा फिर आपको एक GS प्लस अलग से देखने को मिलेगा। GS के वीडियोस ज़्यादा होंगे क्योंकि उसमें GS के क्वेश्चंस लगभग 150 क्वेश्चंस GS के ही आते हैं, 150 के लगभग 120 क्वेश्चन GS के आते हैं। तो कोशिश मेरी ये रहेगी कि 60-60 करके दो पोर्शन में आपको बांट के मैं उसको प्रोवाइड करा सकूँ, ठीक है। चलो, तो अब हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। चलो, फिर ऑप्शन देखना है क्या लिखा हुआ। बी डिसाइडेड टू द शेड्यूल ऑलरेडी एग्रीड अपॉन। ठीक, देखो जो यहाँ पे जितने भी दे रखे हैं, अधेर अधेर टू अधेर विद अधेर्स लिखा हुआ है, इनका अधेर का मतलब होता है एक तरीके से, देखो जब कभी भी कोई शब्द आगे लग जाए, कोई वर्ड्स आगे जुड़ जाएगा तो उसकी प्रीपोजिशन बन जाती है, मतलब प्रीपोजिशन लगा देंगे तो हमारा वो वर्ड बदल जाएगा। जैसे हिंदी में उपसर्ग और प्रत्यय होते हैं, लगाने से शब्द का अर्थ बदल जाता है। सेम ऐसे ही जैसे अधेर लिखा हुआ है, अधेर टू अधेर विद, ये टू और विद लगाने से इसके अर्थ बदल जाते हैं। तो यहाँ पर जो लिखा बी डिसाइडेड टू द शेड्यूल ऑलरेडी एग्रीड अपॉन, हम लोग जो डिसाइड कर रहे हैं, जो शेड्यूल पहले से बना हुआ उसी का पालन करेंगे, पालन करना यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो पालन करने के लिए यहाँ पे अधेर टू होता है, ठीक, ये इसका मतलब होता है पालन करना, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे, फिर 49 नंबर देखो। अब यहाँ पे क्या बताना है, देखिए आपके सामने लिखा होगा कि एक एंटोनियम बताना है, क्या बताना है, एंटोनियम। फिर डिग्निग्रेट लिखा हुआ है, डेनिग्रेट, डेनिग्रेट का मतलब क्या होता है, डेनिग्रेट का मतलब होता है कलंक लगाना, ठीक है, कलंक लगाना, ठीक। अब इसका एंटोनियम यानी कि विरोध विपरीत बताना होगा, तो इसका मतलब अगर हम किसी के ऊपर कलंक लगा रहे हैं तो इसका मतलब उसकी बड़ाई कर रहे होंगे या उसका समर्थन कर रहे होंगे, ठीक। तो यहाँ पे देखिए मैलिगन लिखा हुआ है, ठीक, मैलिगन का मतलब क्या होता है, ये होता है दुष्ट, तो दुष्ट तो हो नहीं सकता, वही कलंक लगाने वाला, ये लगभग लगभग सिनोनियम। ट्रैश, ट्रैश का मतलब होता है कचरा, ठीक है। फिर जो एस्प्रोस लिखा हुआ है, एस्पर्स लिखा हुआ है, ठीक, एस्पर्स का मतलब होता है कवक चरना। और इंडोर्स लिखा हुआ है, इंडर्स लिखा हुआ है, इंडर्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब समर्थन होता है, फिर देखो यहाँ पे हमको चार पार्ट में ये टूटा हुआ है, पांच पार्ट, चार पार्ट में, और चूज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंगली, ठीक है। फाइंड आउट विच पार्ट इज द सेंटेंस हैज एन एरर, हम लोगों को एरर बनाना है किस पार्ट में होगा। तो क्या लिखा हुआ, द ब्रेन वॉज बिगर देन अ चर्च, द बार्न वॉज बिगर देन अ चर्च एंड द फ्रेश है बेल्स बर अटैक्स टू द रूफ। देखो जब हम लोग कभी भी किसी दो चीज़ों की तुलना करते हैं तो क्या लिखा हुआ है, द बर्न बाज बिगर देन अ चर्च, नहीं देन द चर्च, क्योंकि जिससे भी तुलना कर रहे हैं वो एक अलग स्पेशल दिखाने के लिए या बिल्कुल इस अलग चीज़ होगी सबसे। तो यहाँ पे ए नहीं, द का इस्तेमाल करेंगे, क्या करेंगे, दी का इस्तेमाल करेंगे। और ये पार्ट कौन सा है, यहाँ पे पहला पार्ट खत्म होता है और ये दूसरा पार्ट है, तो मतलब दूसरा पार्ट आपका गलत हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हमको क्या करना है, इसको चेंज द गिवन सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पेस टू इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट में बदलना है। तो लिखा हुआ है माय टीचर ऑफन सेज टू मी, इफ़ यू डोंट वर्क हार्ड यू विल फेल। तो देखो माय टीचर ऑफन सेज टू मी, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, माय टीचर ऑफन सेज टू मी ये तो नहीं बदलेगा, लेकिन कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट लग जाएगा, ठीक है। अब इफ़ यू, ये जब टीचर ने उससे कहा था डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, आई, इफ़ आई डोंट वर्क हार्ड आई शैल फेल, क्या हो जाएगा, विल की जगह पर आई शैल फेल। तो ये किस ऑप्शन में दिख रहा है, पहले ऑप्शन में माई टीचर ऑफन सेज टू मी दैट, इफ यू, यू वाला तो काट ही दीजिए,
फिर माई टीचर ऑफन सेज टू मी दैट इफ़ आई डोंट वर्क हार्ड यू बिल नहीं सेल होगा, आई के साथ सेल आता है, यू माई टीचर ऑफन सेज टू मी दैट आई डोंट वर्क हार्ड आई सेल फेल, बिल्कुल यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो भाई 52 नंबर की तरफ चलेंगे और 52 नंबर में क्या लिखा हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट ऑप्शन, यू विल हैव टू योर मिसडीड्स एंड मैल प्रैक्टिस, अच्छा यू विल हैव टू योर मिसडीड्स, आंसर आंसर फॉर आंसर टू और आंसर विद, यहाँ पे इतने ऑप्शंस दे रखे हैं, ठीक है। देखो जो इसमें, क्योंकि यू विल हैव टू योर मिसडीड्स एंड मेल प्रैक्टिसेस, तो इसका मतलब यहाँ पे वो गलती की बात कर रहा है, मिसडीड्स जो भी उसने किया था, तो यू विल हैव टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, आंसर फॉर मतलब आप उसके लिए जिम्मेदार होंगे, ठीक है। टू ऐसा कह सकते हैं बी रिस्पॉन्सिबल, या कह सकते हैं ब्लेम फॉर समथिंग जब लगाया जाता है उसके ऊपर, तो आंसर फॉर दिया जाता है, तो यू विल हैव टू आंसर फॉर मतलब तुम उसकी जवाबदेही होगे जो तुमने मिसडीड्स एंड जो मेल प्रैक्टिसेस किए उसके लिए। चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस, अच्छा करेक्टली स्पेल्ड बताना है, तो देखो यहाँ पे जितनी भी स्पेलिंग्स लिखी हैं उनमें गलत लिखी होंगी, एक सही बताना लिखाना बताना होगा। सैक्रिलीगियस लिखा हुआ है, नेविएट लिखा हुआ है, और पॉइंट सेटिया लिखा हुआ है, मोन्योवर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखो जो अगर स्पेलिंग सही स्पेलिंग की बात करेंगे तो जो पहली वाली लिखी हुई है, ठीक है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो वहाँ पे जो सैक्रिलीजियस लिखा हुआ है इसका मतलब होता है पवित्र वस्तु, वही सही लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, पवित्र वस्त्र, ठीक, तो यहाँ पे यही स्पेलिंग सही लिखी हुई है, बाकी कोई भी स्पेलिंग यहाँ पे सही नहीं लिखी हुई है। अच्छा स्पेलिंग सही भी बता दें, चलो भाई रुको सही स्पेलिंग भी, फिर नेविएट लिखा हुआ है, ठीक, NIAVETY नेविएटी होता है, भोलापन होता है इसका मतलब, जो पोनी सेलेटिया लिखा हुआ है POINSELTIA, इसको मतलब होता है फूल देने वाली जो झाड़ियाँ होती है, और जो मोनियोर लिखा हुआ है इसका मतलब पैतरेबाजी होता है MANOEURE, इसमें BE भी आया है कहीं पे, वो नहीं होगा। चलो कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द एप्रोप्रिएट ऑप्शन, चलो ऑप्शंस में देखते हैं क्या हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम सोशल मीडिया यूजर्स कैन बी इनक्रेडिबली, अच्छा देखो मोस्ट ऑफ द टाइम सोशल मीडिया यूजर्स कैन बी इनक्रेडिबली, तो ग्रेवियस, रूथलेस, जॉयस या मेलेंचोल, क्या यार क्या ही वर्ड है। चलो तो खैर यहाँ पे जो ग्रेवियस लिखा हुआ है, ग्रीवियस का मतलब होता है गंभीर, ठीक है, तो जो मोस्ट ऑफ द टाइम सोशल मीडिया यूजर्स कैन बी इनक्रेडिबली जो है ग्रेवियस, इसका मतलब गंभीर होते हैं, वो बहुत गंभीर होते हैं, तो यहाँ पे यार अलग ही पेन है, ठीक है, फिर ये सही हो जाएगा। फिर लिखा हुआ है रूथलेस, रूथलेस का मतलब होता है क्रूर, क्रूर तो नहीं होते हैं, सब तो नहीं होते हैं, फिर जॉयस, आनंदित इतना भी नहीं होते हैं, फिर एलेंचोल जो लिखा हुआ है इसका मतलब निराश होता है, निराश तो नहीं होते हैं क्योंकि सोशल मीडिया पे वो जाते ही तभी हैं जब उनको कुछ अच्छा देखना होता है या इन्जॉय करना होता है तब। भाई सोशल मीडिया पे अपने जॉय, खुशी और ये सारी चीज़ें डालते हैं। चलो चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड ओबिक्यूटियस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, अच्छा करेक्ट मीनिंग बताना है, जो ओबिक्यूटियस जो लिखा हुआ है इसकी मीनिंग क्या होगी। चलो देखो एग्जैक्ट क्या लिखा, एक्सट्रीमली रेयर, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, बींग प्रजेंट एवरीवेयर एट वंस, नॉट विलिंग टू कंटिन्यू, ठीक, तो जो ओबिक्यूटियस जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है देशव्यापी, क्या होता है देशव्यापी, तो क्या हो जाएगा अगर उस हिसाब से देखेंगे तो बींग प्रेजेंट एवरीवेयर एट वंस टाइम, तभी तो वो देशव्यापी हो पाएगा जब सभी जगह पे विद्यमान होगा, सभी जगह पे आपको दिखाई देगा। अरे यार इतनी बुरी तरीके से पेन चलता है कि एक बार में एक निशान तक नहीं सही से लगता है। चलो वॉट इज द सिनोनियम ऑफ द वर्ड लैम्ब्रोग्लियो का जो है फुल मीनिंग पूछी जा रही है यहाँ पे, उसके सिनोनियम क्या हो जाएगा, तो कॉम्प्लिकेटेड, सिंपल, डेंजरस, काम, तो लैम्ब्रोग्लियो का मतलब होता है आपत्तिजनक, क्या होता है आपत्तिजनक, और अगर उसके सिनोनियम की बात करेंगे तो फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड का भी मतलब होता है वो जटिल, उलझा हुआ या फंसा हुआ, सिंपल तो साधारण होता है, डेंजरस खतरनाक, काम का मतलब शांत होता है। चलो भाई 57 नंबर देखो, व्हाट इज फियर ऑफ पीपल कॉल्ड, चूज द करेक्ट ऑप्शन, व्हाट इज
फियर ऑफ पीपल, लोगों का जो डर होता है, ठीक है, फियर ऑफ पीपल, ठीक है, जिसको मानव दोष कहते हैं, मानव जो होता है वो स्वयं से डरने लगता है, ठीक है, वो जो होता है वो स्वयं से डरने लगता है, तो उसको क्या कहते हैं, तो फियर ऑफ पीपल, तो एंथ्रोफोबिया कहते हैं, क्या कहते हैं, एंथ्रोफोबिया होता है, ये मानव से डरने वाले इंसान को होता है, जिसको मानव से डर लगने लगता है, ये उसको कहते हैं एंथ्रोफोबिया। चलो भाई आगे बढ़ेंगे। 58 नंबर, वर्ण उस मूल को कहते हैं जिसका खंड नहीं हो सकता। तो वर्ण किसको कहते हैं, अक्षर, पद, स्वर या ध्वनि। तो देखो ये ध्वनि होती है जो सबसे छोटी इकाई, इसको कहा जाता है, और वर्ण को भी सबसे छोटी इकाई, क्योंकि इसके खंड नहीं कर सकते। अब आप सोचिए, जो है जैसे वर्ण है, जैसे का लिखा हुआ, का के क्या खंड करेंगे, कोई खंड हो पाएंगे, नहीं। तो बच्चा भी सबसे पहले ध्वनि निकालता, का 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 मा 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 ऐसे करता है ना, तो ये ध्वनियाँ होती हैं, और इन्हीं को जो है वो वर्ण भी कहते हैं। चलो क्या लिखा हुआ है, आत्मोत्सर्ग में प्रयुक्त संधि बतानी है। तो पहले तो इसको आपको तोड़ना आना चाहिए, क्या हो जाएगा, आत्म, ठीक, आत्म प्लस उत्सर्ग, क्या होगा, आत्म प्लस उत्सर्ग होगा। तो यहाँ पे इसकी जो संधि की बात करेंगे तो क्या होगा, आपको भी पता है कि जब ये बनना है, इसमें लग रही है एक मात्रा, और एक मात्रा किस में होती है, तो गुण में। अगर यही ऐसे करके दो मात्राएं लगी होती तो दो मात्राओं का मतलब वृद्धि हो जाता, ठीक है, क्या हो जाता, वृद्धि, गुड़ के बाद ही वृद्धि आती है। गुड़ में अगर मक्खियाँ लग गई तो वो बढ़ गए, ऐसे ही गुड़ में एक मात्रा की जगह पे दो लग गए तो वो भी बढ़ गए। चलो 60 नंबर, बर्तनी के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है, ललायत, पौर्विक, लब्ध प्रतिष्ठित, दायित्व। तो बर्तनी के आधार पर हमको शुद्ध बताना है, शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा, तो ललायत, ललायत ऐसे नहीं लिखा जाता है, जो है ये ऐसे लिखा जाता है, लालायत होता है, ला, ठीक है, और पौर्विक बिल्कुल सही लिखा हुआ है, लब्ध प्रतिष्ठित नहीं होता है, आधा बा बनता है, फिर धा, ठीक, लब्ध ये हो गया, और प्रतिष्ठित में पा बनता है, ता बनता है, ता में छोटी की मात्रा लगती है, फिर ऐसे लिख दीजिए, छोड़िए, यहाँ पे एक पहला हो गया, ये लब्ध प्रतिष्ठित। लब्ध प्रतिष्ठित ये होता है, फिर दायित्व तो लिखा हुआ, दायित्व तो ऐसे नहीं लिखा जाता, दायित्व तो ऐसे लिखा जाता है, क्या ही बना रहा हूं यार, ठीक, दायित्व तो ये होता है। 61 नंबर, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताना है, क्या, तत्सम शब्द बताना है, तो तत्सम का मतलब होता है जो संस्कृत वाला होता है, किसका होता है, संस्कृत वाला। चलो सांझ, कारवेल, जेठ, सूत, देखो सांझ का तो संध्या होता है तो ये तो हो नहीं सकता। कारवेल, कारवेल बिल्कुल सही है, कारवेल का अर्थ होता है करेला, करेला तद्भव शब्द है, ठीक, तत्सम शब्द है कारवेल, इसके लिए मैंने यहाँ पे करेला लिख दिया है, और ये कौन सा शब्द बन जाएगा, इसके ऊपर लिखे देता हूँ, ये तद्भव शब्द है, ठीक है। फिर अगला देखो, जेठ, जेठ का ज्येष्ठ होता है, सूत, सूत का सूत्र होता है, तो ये यहां पे बिल्कुल कंप्लीटली ऐसे सही बन जाएंगे। राम मोहन की पुस्तकें पढ़ रहा है, तो अब इसमें देखो सबसे पहले राम और मोहन की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, तो ये संज्ञा हो जाएंगे, और कैसी संज्ञा हो जाएंगे, राम और मोहन जो नाम है तो ये जातिवाचक संज्ञा बन जाएंगे, ठीक है। फिर पुस्तकें पढ़ रहे हैं, अच्छा कौन, मोहन की, राम मोहन की पुस्तकें पढ़ सकता है, देखो तो पुस्तकें जो होता है वो स्त्रीलिंग होता है, तो पुस्तकें तो स्त्रीलिंग हो जाएगा, फिर क्योंकि पुस्तकों के ऊपर आय की मात्रा लगी, मतलब पुस्तक एक नहीं है, कई हैं, तो वो बहुवचन बन जाएगा, और पढ़ सकता है तो वो क्या पढ़ना है, उसका क्या हो जाएगा, कर्म, तो कर्म कारक। तो यहाँ पे हमको ये मिल गया कि संज्ञा जो है, और मोहन, राम संज्ञा, मोहन ये संज्ञा भी है, प्लस जातिवाचक संज्ञा है, तो जातिवाचक संज्ञा, पुस्तकें बहुवचन है, प्लस ये स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग और बहुवचन हो जाएगा, पढ़ सकते हैं तो ये कर्म हो जाएगा, तो संज्ञा जातिवाचक, पुल्लिंग, पुल्लिंग नहीं हो सकता, संज्ञा जातिवाचक स्त्रीलिंग, एक वचन नहीं हो सकता, संज्ञा जातिवाचक स्त्रीलिंग, बहुवचन और कर्म कारक के लिए सही, तीसरा ऑप्शन आपको बिल्कुल सही मिल जाएगा। 63 नंबर, उन्होंने मुझे रहने को कहा और आप चलते बने, रेखांकित शब्द जो है वो रेखांकित पद है, क्या हो जाएगा, अच्छा ये पूछ रहा है। चलो यहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम लिखा है, पुरुषवाचक सर्वनाम लिखा है, निजवाचक सर्वनाम लिखा है, और संयुक्तवाचक, तो आप की बात कर रहा है ये, आप क्या है, तो आप तो निजवाचक सर्वनाम होता है, आप जो है वो निजवाचक सर्वनाम होता है, ठीक, तो जो निजवाचक सर्वनाम है ये हो जाएगा, क्योंकि निश्चयवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक और संयुक्त सर्वनाम, तो सर्वनाम जो है प्रयोग के आधार पर आपको पता है सर्वनाम के 6 ही भेद होते हैं, कौन कौन से, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक,
लेकिन कुल सर्वनाम 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11 होते हैं, ठीक है। जो निजवाचक सर्वनाम जो है ये आप जो है इसका बन जाएगा, और पुरुषवाचक के जो है अन्य पुरुष वाले जो होते हैं उसमें आप आता है, इससे बहुत अलग होता है इसका प्रयोग। ये कर्ता के बोध के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और स्वयं कर्ता का काम नहीं करता, ये दूसरे कर्ता की जगह पे इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। पुरुषवाचक आप बहुवचन में आदर के लिए भी प्रयुक्त होता है, ये भी याद रखना। जैसे हम आपसे अगर रिक्वेस्ट में बोल रहे हैं तो आप बोलेंगे, ठीक। तो जैसे आप क्या राय देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, वो हम लोग आदर के लिए प्रयुक्त कर रहे हैं। बाकी आपको मैंने बता ही दिया कि सर्वनाम के कुल 11 सर्वनाम, हिंदी में कुल 11 सर्वनाम होते हैं, लेकिन प्रयोग के अनुसार अगर देखेंगे तो वो 6 ही होते हैं, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चय, अनिश्चय, संबंध और प्रश्नवाचक, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ेंगे। विपदा मुझे घबराती है, इसमें रेखांकित शब्द में जो घबराती है वो क्या हो जाएगा, सकर्मक, अकर्मक, द्विकर्मक और संयुक्त, ठीक है। देखो तो ये तो क्या बन जाएगा, ये सकर्मक क्रिया बन जाएगी। क्या बन जाएगी? सकर्मक क्रिया, ठीक है। सकर्मक क्रिया कहते हैं किसे, जिसका कर्म हो और उसका कर्म के साथ कर, या ये कह सकते हैं जिसका, जिसके साथ कर्म की संभावना होती है, या तो कर्म होना चाहिए या उसके साथ संभावना होनी चाहिए, ठीक है। जैसे श्याम आम खाता है तो इसमें पूछा जाएगा श्याम क्या खाता है, तो आम, मतलब आप जब क्या क्वेश्चन करें तो उसका जवाब मिलना चाहिए, उसका उत्तर आना चाहिए, तो वो सकर्मक क्रिया हो जाती है। चलो, क्रोध से पागल होना इस वाक्य को व्यक्त करने वाला मुहावरा, क्रोध से पागल होना, जहर उगलना ये क्रोध से पागल होने का बिल्कुल नहीं, पहाड़ टूट पड़ना ये तो विपदा आना होता है, धज्जियाँ उड़ाना मतलब कह सकते हैं किसी को, दोस्त को चुन चुनकर उसको गिनाना, ठीक, जहर उगलना मतलब अपमानजनक बात कहना होता है, फिर जल भुनकर खाक हो जाना, तो बिल्कुल क्रोध में पागल हो जाना, जल भुनकर खाक हो जाना, इतना क्रोधित हो गया कि मार लाल हो गया चेहरा। चलो फिर देखो यहाँ पे, शैलोन्नत में प्रयुक्त समास कौन सा हो जाएगा, कौन सा शैलोन्नत में जो है इसका समास कौन सा हो जाएगा, तो उन्नत लिखा हुआ है, शैल से उन्नत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शैल से उन, नहीं शैल से नहीं, शैल के समान उन्नत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शैल के समान उन्नत, तो जिसमें पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष हो वो आपका कर्मधारय समास हो जाता है, क्या हो जाता है, कर्मधारय समास हो जाता है। जैसे लौह पुरुष, लौह के समान पुरुष, कुसुम कोमल तो कुसुम के समान कोमल, विद्युद्वेग मतलब विद्यु के समान वेग, तो यहाँ पे कर्मधारय, जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष हो। 67 नंबर, स्वदेश के लिए वाक्य खंड है, किसके लिए, स्वदेश के लिए, स्वदेश के लिए, सॉरी स्वदेश नहीं, स्वदेश के लिए वाक्य खंड कौन सा होगा, स्वेद की ओर जाने वाला, स्वेद पर जीने जीतने वाला, स्वेद में रहने वाला, स्वेद से उत्पन्न होने वाला। देखो याद रखना, ये जो जा शब्द होता है, ये जो जा शब्द होता है इसका मतलब होता है पैदा होना, ठीक है, या उत्पन्न होना, ठीक। स्वेदज का मतलब होता है स्वेद से उत्पन्न होने वाला, तो यहाँ पे ये चौथा ऑप्शन बिल्कुल, जैसे जल जाता है ना, तो जा का मतलब होता है पैदा होना, जल का मतलब जल, तो जल में पैदा होने वाले को जलज कहते हैं, जैसे उसका नाम कमल, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप इस तरीके से जा जो लिखा होता है, जा लग गया तो इसका मतलब पैदा होने वाला या उत्पन्न होने वाला, तो यहाँ पे ये बन जाएगा। चलो ठीक, आज की जो क्लास है दोस्तों वो यहीं तक रहेगी। आपको ये देखिए पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे और ये आपके सामने यहाँ पे सेव कर लिए जा रहे हैं, जिससे आप इसके PDF को बार बार रिपीट करके देख लें और आसानी से आप इनको कंप्लीट कर पाएँ। और ये प्रीवियस ईयर इसलिए कराए जा रहे हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर अच्छा रिपीटेबल क्वेश्चन हमको मिल जाते हैं, नहीं मिलेंगे तो एक आइडिया लग जाएगा, तब भी अगर क्वेश्चन आप जितने ज़्यादा इस समय पर पढ़ पाएंगे वो आपके लिए फायदेमंद होगा, तो इसीलिए ज़रूरी है कि अभी हम लोग ये सारी चीजें यहां पे देखें। चलिए दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक रहेगी, मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।